नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यदि दोस्तों आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि वीडियो से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों ये जो चैनल है पूरा शेयर मार्केट और शेयर बाज़ार से जुड़ी हुई सारी जानकारी और टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी आपको एकदम निःशुल्क उपलब्ध कराता है। यदि आप या आपके फ्रेंड्स इन फैमिली में कोई शेयर बाज़ार और टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहता है तो उनको ये चैनल ज़रूर रिकमेंड कीजिए, उनको उसके साथ शेयर कीजिए और उनको इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की। आपके सामने डेली चार्ट लगा हुआ है और इस लाइन को इसने जो कि इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी वो इसने तोड़ दिया है दोस्तों, और दो दिन तक सफलतापूर्वक इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। लेकिन एक जो ये बड़ी ट्रेंड लाइन जो कि बियरिशनेस दिखा रही है, जैसे कि यहाँ से इसने इसको टेस्ट करा और वापस रिट्रेस करके गिरावट दिखाई, यहाँ से टेस्ट किया फिर गिरावट दिखाई, यहाँ से टेस्ट किया फिर गिरावट है, और फिर दो दिन तक यानी कि कल और आज इसने दोनों बार इसको टेस्ट किया है और वहीं से लगातार इसने रिटर्न वापसी की है। तो दोस्तों अभी जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक हैंगिंग मैन बना हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब होता है कि कल हो सकता है ये नेगेटिविटी में ओपन हो। यदि ये नेगेटिविटी में ओपन होता है तो ये 660 के लिए हमें क्लोजिंग तक मिल जाना चाहिए, और अगर ये कल इसके ऊपर यानी कि स्टैंड लाइन के ऊपर क्लोज दें तो हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए कल नहीं खरीदना, इसको एक बार रीटेस्ट करवाना है। रीटेस्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कल इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा पेपर, सो इसको ऊपर चले जाएगा और फिर जब नीचे गिरावट के लिए नीचे आएगा तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ टच करे, लेकिन इस रेंज में कहीं ना कहीं आएगा वो, तब जाकर हमें इसको बाय करना होता है। वो उसी को बोलते हैं रीटेस्ट करना। ऐसा नहीं है कि इस ट्रेंड लाइन ने तोड़ा है इसको और आपने तुरंत बाई कर लिया, हो सकता है वो फॉल्स ब्रेकआउट हो। तो फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे पकड़ते हैं, एक सबसे अच्छी टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ऊपर जाएगा और ऐसा नहीं है कि यहाँ ऊपर क्लोज होने के बाद रॉकेट की जैसा यहाँ चले जाएगा, ऐसा नहीं है, ये फिर थोड़ा सा रिट्रेस करेगा। हो सकता है दोस्तों ये जो मूविंग एवरेज आ रहा है 200 EM का 700 के आसपास, ये इसके ऊपर जाए तो यहाँ तक के लिए चले जाए, लेकिन एक बार ये नीचे ज़रूर आता है क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें ये दिखाता है कोई भी चीज़ें डायरेक्ट ऊपर या डायरेक्ट नीचे नहीं आती। जैसे कि इसको यहाँ से गिरना था तो यहाँ तक गिरा, फिर ऊपर आया, फिर गिरा, फिर ऊपर आया, फिर गिरा, फिर ऊपर आया, और इस तरह से गिरते गिरते अब ऐसा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर जैसे कि इनमें हायर हाई और हायर लो बन रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इस लो से ये लो ऊपर बना है, ठीक है, इसको बोलते हैं हायर लो फॉर्मेशन। ये जब भी बनता है दोस्तों तो ये बुलिशनेस होता है, ठीक है। तो हमें कल ध्यान ये रखना है कि अगर कल इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे अच्छे वाले के साथ तो हम एक दो दिन का वेट करके स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और सो कल का बजट डे है, कल वोलेटाइल डे रहेगा, तो कल अपनी कैपेसिटी से आधा ट्रेड आधी क्वांटिटी का ही ट्रेड करें और थोड़ा डिसिप्लिन मोड में ट्रेड करें। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में दी जा रही जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको ज़रूर पढ़ता हूँ और आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।